हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फिरोज़ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ ब्राउन कलर करने पे हमारे बाल ब्लैक क्यों हो जाते हैं। हम लगाते तो ब्राउन कलर है पर वो ब्लैक हो जाता है, ऐसा क्यों? यही सब कुछ मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप गलती क्या करते हो, आप किसी भी शॉप पर जाते हो और बोलते हो हमें ब्राउन कलर दे दो, वो क्या करता है आपको 4 नंबर या 3 नंबर आपको हेयर कलर देता है। इस पर क्या लिखा हुआ है? ब्राउन हेयर कलर। ये ब्राउन हेयर कलर ही है, इसके ऊपर आप देखोगे छोटा सा लिखा हुआ है ब्राउन हेयर कलर। और 4 नंबर ये ब्राउन कलर कैसा होता है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो 4 नंबर हेयर कलर, ये ऊपर वाली लाइन में तो आप देख सकते हो ये सारे ब्राउन हेयर कलर है, इनका नाम ब्राउन ही है। और ये आप देख सकते हो 4 नंबर कौन सा है, ये 4 नंबर है और 4 नंबर ये ब्राउन होता है। और इससे नीचे आप जाओगे 3 पे ये भी डार्क ब्राउन होता है और देखने में बिल्कुल ये ब्लैक कलर जैसा ही होता है, बस धूप में हल्की सी ब्राउन शाइन मारता है। तो अगर आप ब्राउन कलर लगाओगे बालों में तो वो कुछ इस तरह से ही आएगा, जैसे ऊपर वाले शेड दिखाई दे रहा है। ये 5 नंबर का हेयर कलर है जो अभी जिस पर मेरी उंगली रखी हुई है और इसका नाम है लाइट ब्राउन 5 नंबर हेयर कलर। आपको कभी भी ब्राउन कलर करना हो बालों में तो आप दुकान पर जाकर ये ना बोलो कि हमें ब्राउन कलर दे दो, क्योंकि ब्राउन कलर बहुत सारे होते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, बहुत सारे ऐसे ब्राउन होते हैं जो एक जैसे ही दिखते हैं। और ब्राउन कलर करने के बाद कैसा दिखता है ये भी एक बार और देख लो आप। ये ऊपर वाली लाइन में सारे ब्राउन हेयर कलर है और नीचे वाली लाइन में ब्राउन हेयर कलर है। तो आपने देखा नीचे वाली लाइन में ब्राउन कलर है और ऊपर वाली लाइन में ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर लोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा डार्क में, ये आप देख सकते हो। तो आप कभी भी कलर लेने जाओ तो आपको ब्राउन नहीं बोलना, आपको बोलना है ब्लॉन्ड। आप या फिर आप शेड कार्ड देखो, शेड कार्ड में आप नंबर देखो, नंबर देख कर आप उसको बोलो कि हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ब्राउन हेयर कलर कुछ ऐसे होते हैं डार्क में जो ब्लैक जैसे दिखते हैं और ब्राउन हेयर कलर कुछ ऐसे होते हैं जो ब्राउन दिखते हैं। हमारी जुबान में इनको ब्लॉन्ड बोलते हैं, ऊपर वालों को डार्क ब्राउन बोलते हैं। और ये आप देख सकते हो हर कलर का अलग अलग नंबर होता है, हर शेड के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये इस नंबर का शेड है, ये इस नंबर का शेड है। तो आप जब भी कलर लेने जाओ तो शेड कार्ड देखो, आप अपनी पसंद से एक कलर चूज़ करो, उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा वो उसको बताओ दुकानदार को कि मुझे ये वाला नंबर चाहिए, फिर एग्जैक्ट वही कलर आएगा जो आप चाहोगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कर देना और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।